नमस्ते बच्चों, अभी तक हम अभिज्ञान शाकुंतलम के 8 श्लोक पढ़ चुके हैं। अब उससे आगे हम अपने श्लोक को प्रारंभ करेंगे। पूर्व के श्लोक में इससे पहले घोड़ों की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा गया था कि घोड़ों की कलंगी कैसी हो रही थी, निष्कंप हो रही थी और उनके कान खड़े हो रहे थे और अपने खुरों से उड़ाई गई धूल भी जिनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पा रही थी, ऐसे वो घोड़े थे। क्यों? क्योंकि तीव्र वेग के कारण वो दौड़ रहे थे। ये सब स्थिति का वर्णन करने के बाद अब आने वाले श्लोक में राजा क्या कह रहा है कि सत्यम अतीत्य हरितो हरिश्च वर्तन्ते वाजिनः। तो सत्यम, ये बात ठीक ही है, वास्तविकता है कि अतीत्य हरितो हरिश्च, सूर्य और हरि और हरिश्च, इंद्र के घोड़ों का भी वाजिनः, घोड़ों का भी वाजिनः अतीत्य अतिक्रमण किया जा रहा है। अर्थात ये घोड़े इतनी तेज़ी से दौड़ रहे हैं कि मानो सूर्य और इंद्र के घोड़ों का भी उल्लंघन कर रहे हैं, उनको भी अतिक्रांत कर रहे हैं। तथा ही क्योंकि यदा लोके सूक्ष्म व्रजति सहसा तद विपुलताम यद अर्धे विच्छिन्नम भवति कृतसंधानम इव तत् प्रकृत्या यद वक्रम तद अपि समरेखम नयनयो न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवात। तो बच्चों, पहले इसका हम अन्वय देखेंगे कि रथ जवात यत आलोके सूक्ष्म तत् सहसा विपुलताम व्रजति यत अर्धे विच्छिन्नम तत् कृतसंधानम एव भवति यत प्रकृत्या वक्रम तद अपि नयनयो समरेखम भवति ही किंचित मे क्षणम अपि न दूरे न पार्श्वे तिष्ठति। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि रथ जवात, रथ का जो वेग था उससे यत जो भी वस्तु आलोके देखी जा रही थी या दिखाई दे रही थी वह सूक्ष्मता को, अत्यंत छोटेपन को प्राप्त हो रही थी। क्यों? क्योंकि रथ का वेग बहुत तेज था। ततः सहसा, और वही वस्तु अचानक ही विपुलताम व्रजति, बहुत ही विशालता को प्राप्त हो जाती थी। यत, और जो वस्तु अर्धे विच्छिन्नम, बीच में से विच्छिन्न हुई सी, कटी हुई सी दिखाई देती थी, तत वही वस्तु कृत संधानम एव, मानो संधान कर दी गई हो, फिर से जोड़ दी गई हो, ऐसी भवती प्रतीत होती थी। यत प्रकृत्या, और जो स्वभाव से ही वक्रम टेढ़ी दिखाई देती थी, तत अपि वह वस्तु भी नयनयो नेत्रों के लिए कैसी दिखाई देती थी, समरेखम समान होके, सीधी होके, रेखम रेखा वह प्रतीत होती थी। क्षणम केवल क्षण मात्र के लिए भी किंचित कोई वस्तु में न दूरे, मुझसे दूरता नहीं थी, यानी वो कुछ ही क्षण में मुझसे दूर नहीं थी, न पार्श्वे और न ही मेरे नज़दीक ठहरती थी। तो बच्चों, इसका अन्वय जो था उसके अनुसार अर्थ क्या हुआ कि रथ जवात, रथ का वेग इतना तेज था कि यद आलोके, जो वस्तु आलोके देखने में सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्मम छोटी दिखाई दे रही थी, तत् सहसा विपुलताम व्रजति, वो अचानक ही विपुलता को, विशालता को प्राप्त हो जाती थी। यत विच्छिन्नम अर्धे, और जो बीच में से कटी हुई सी लगती थी, तत्कृत संधानम एव, मानो वो जोड़ दी गई हो, ऐसी भवती प्रतीत होती थी। और यत प्रकृत्या वक्रम, और जो स्वभाव से टेढ़ी लगती थी, तत अपि वह भी नयनयो इन नेत्रों के लिए समरेखम सीधी सी हो जाती थी। क्षणम
क्षण भर के लिए भी किंचित, कोई भी वस्तु में न दूरे, मुझसे ना तो दूर थी और ना ही पार्श्वी, और ना ही समीप में थी, नज़दीक में ठहरती थी। तो इसमें आपको क्या कहा जा रहा है बच्चों, कि रथ के तीव्र वेग से होने वाली प्रतीति का सुंदर अनुभूति में वर्णन किया जा रहा है। ट्रेन या एरोप्लेन में जब अपन यात्रा करते हैं हम लोग, तब भी यही अनुभव हमें होता है, और वैसे ही रथ के वेग से दूर की छोटी वस्तु समीप आने पर तो कैसी लग रही थी, बड़ी लग रही थी, और वही वस्तु रथ के आगे बढ़ जाने पर छोटी सी प्रतीत हो रही थी। इसमें वस्तु की स्वाभाविक वर्णन किया गया है, वस्तु का स्वाभाविक वर्णन हुआ है, इस कारण से स्वभावोक्ति अलंकार है। और प्रथम पाद में वस्तु की सूक्ष्मता को तुरंत विशालता में वर्णित करने से विरोधाभास अलंकार भी है, और छंद यहाँ शिखरणी प्रयुक्त हुआ है, और जिसका लक्षण है रसे रुद्रेश्चिन्ना यमन सबलाक शिखरणी, जहाँ यगण मगण नगण सगण भगण एक लघु और एक गुरु होता है, वहाँ पर शिखरणी छंद होता है। उसमें कुल 17 वर्ण होते हैं और 6 और 11 वर्णों पर क्रमशः यति होती है। तो ये इस श्लोक का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखिए, सूत कह रहा है पश्यम एनम व्यापाद्यमानम। तो सूत ने क्या कहा, पश्यम एनम, अब इसको एनम, इसको पश्य यानी देखो क्या किया जाता हुआ, व्यापाद्यमानम मारे जाते हुए इस आप मृग को देखिए। इति शर संधानम नाट्यति, इस प्रकार से शर को बाण को चढ़ाने का नाट्यति अभिनय करता है, नाटक करता है। नेपथ्य, तो नेपथ्य से आवाज़ आती है, भो भो राजन, हे राजन, आश्रमो मृगो अयम, अयम मृगो, यह मृग कैसा है, आश्रमम, आश्रम का है, आश्रम में निवास करने वाला है, इसलिए न हंतव्यो, इसे नहीं मारा जाना चाहिए, और न हंतव्य है, यह मारने योग्य नहीं है, अर्थात इस मृग को आप न मारें। तो सूत कह रहा है आकर्ण्य सुन करके और अवलोक्य च देख करके, आयुष्मन, हे आयुष्मन, अस्य खलु ते बाण पथ वर्तिनी कृष्णसारस्यांतरे तपस्विन उपस्थिता। तो आयुष्मान वो क्या कह रहा है, अस्य खलु, खलु यानी निश्चित रूप से, अस्य और ते, आपके और इन ते बाण पथा, इन बाणों के मार्ग के बीच में कृष्णसार रस्यांतरे, इस कृष्णसार रूपी मृग के और आपके बाणों के बीच में तपस्विनी उपस्थिता, ये तपस्वी जो आश्रम में रहने वाले हैं वो आकर के उपस्थित हो गए हैं। राजा स संभ्रमम, राजा क्या कह रहा है, घबराहट के साथ उसने क्या कहा, तो फिर शीघ्रता से ही तेन ही प्रगृह्यताम वाजिनः, तो वाजिनः घोड़ों की लगाम को प्रगृह्यताम रोकिए, अर्थात इन घोड़ों को अभी यहीं पर रोक दीजिए। सूत कह रहा है तथा, अच्छा ऐसा ही मैं करता हूँ। इति रथम स्थापयति, और ऐसा कहकर रथम यानी रथ को स्थापयति रोक देता है। ततः प्रविशति आत्मना तृतीयो वैखानसः, इसके पश्चात क्या होता है, ततः इसके पश्चात प्रविशति, प्रवेश करते हैं कौन, आत्मना दो ऋषि और वैखानसः, वैखानस का प्रवेश होता है। वैखानसः, वैखानस कह रहा है हस्तम उधम्य, हाथों को उठा करके, राजन, हे राजा, आश्रम रघु अयम न हंतव्यो, न हंतव्य है,
अयम मृग, ये मृग कैसा है? आश्रमों, आश्रम में रहने वाला है, इसलिए न हंतव्यो, इसको मारा नहीं जाना चाहिए, न हंतव्य है, ये मारने योग्य नहीं है। अर्थात इस मृग का को आपको नहीं मारना चाहिए। तत् साधु कृत संधानम प्रति संहर सायकम आर्त्राणाय व शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। बच्चों इसका अन्वय देखिए। तत् साधु कृत संधानम सायकम प्रति संहर वह शस्त्रम आर्त्राणाय अस्ति अनागसी प्रहर्तुम न अस्ति। तो यहाँ पर वैखानस क्या कह रहा है? तत् तो इसलिए या इस कारण से साधुकृत संधानम, साधुकृत अच्छी प्रकार से चढ़ाए गए संधानम, धनुष पर चढ़ाए गए सायकम, आपके बाण को प्रतिसंहर उतार लेना ही उचित है। वह आपका जो यह शस्त्रम शस्त्र है, जो धनुष है, वह आर्त त्राणाय, आर्त लोगों के लिए, पीड़ा जो प्राप्त व्यक्ति हैं या पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनको त्राणाय रक्षा करने के लिए प्रयुक्त होना चाहिए, या उन पीड़ितों की रक्षा के लिए आपका ये धनुष काम में आना चाहिए या आता है। इसलिए अनागसी, जिन्होंने कोई अपराध ही नहीं किया है, उन पर प्रहर तुम प्रहार करने के लिए न नहीं होता है। अर्थात आप क्या करते हैं, लोगों को, पीड़ितों को रक्षा के लिए शस्त्र उठाते हैं, इसलिए वह कह रहे हैं कि तत् इस कारण से साधुकृत संधानम, जो भली प्रकार से धनुष पर चढ़ाया गया आपका सायकम बाण है, उसको प्रतिसंहार उतार लीजिए। क्यों? क्योंकि वह आपका जो शस्त्रम, ये जो शस्त्र है, धनुष बाण है, वो आर्त त्राणाय, पीड़ितों की रक्षा के लिए होता है। अनागसी प्रहर्तुम न, जो अनागसी हैं, निरअपराध लोग हैं, उन पर प्रहार करने के लिए नहीं होता है। तो आश्रम का जो हिरण है उसके कारण यह निरअपराध है। आश्रम में निवास करता है ना बच्चों, वो इसलिए उसको निरअपराध कहा गया है, उसका उस पर बाण चलाने योग्य राजा नहीं है, इसलिए वो अवध्य है। तो आप जैसे वीर क्षत्रिय लोग तो लोगों की रक्षा को करते हैं, आपके लिए ये चीज़ उचित नहीं है। तो इस श्लोक के पूर्वार्ध भाग में के प्रति उत्तरार्ध दो वाक्य क्रमशः अन्वय व्यतिरेक रूप हैं, इस कारण से वाक्यार्थ हेतुक काव्यलिंग अलंकार है। कौन सा अलंकार यहाँ प्रयुक्त हुआ है बच्चों? वाक्यार्थ हेतुक काव्यलिंग अलंकार प्रयुक्त हुआ है, और छंद यहाँ पर अनुष्टुप है, जिसका लक्षण सभी को ज्ञात होगा कि श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पाद्यो ह्रस्वम दीर्घम मन्ययो। तो ये तो हुआ आपका अनुष्टुप छंद का लक्षण। अब इसके आगे देखो बच्चों, एषः प्रतिसंहर, तो क्या कहा जा रहा है कि ये लीजिए, मैंने ये कह करके एषः प्रतिसंहर ये मैंने उतार लिया, इति यथोक्तम करोति। तो जैसा वैखानस ने कहा उसी प्रकार उसने किया, अर्थात अपने धनुष बाण को उतार लिया वैखानस। तो वैखानस इसका जवाब दे रहा है कि सदृशम एतत् पुरु वंश प्रदीपस्य भवतः, तो ये आप भवतः है, आपके पुरु वंश प्रदीपस्य है, पुरु वंश का दीपक होने के कारण ही यह सदृशम एतत् ये आपके द्वारा किया गया है। तो जब वैखानस के कहने पर राजा ने धनुष को उतार लिया तो उन्होंने क्या कहा, बस वह इस श्लोक में ही बताया जा रहा है कि धनुष बाण आपने उतार लिया है, तो
जन्म यस्य पुरोर्वंशे युक्तम रूपम इदम तव पुत्रम एव गुणोपेतम चक्रवर्तिम आपनुहि। तो बच्चों अन्वय देखिए आप कि यस्य पुरोर्वंशे जन्म तव इदम युक्त रूपम एवं गुणोपेतम चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुहि। तो यस्य जिसका पुरोवंशे पुरु के वंश में जन्म हुआ है, इदम यह तुम्हारा आचरण, कैसा आचरण कि तुमने मेरे कहते ही धनुष से बाण उतार लिया है, वह युक्त रूपम वह तुम्हारे कुल के अनुरूप ही है, एवं गुणोपेतम और इसी प्रकार के गुणों से मंडित या इसी प्रकार के गुणों से युक्त तुम चक्रवर्तिनम पुत्रम चक्रवर्ती पुत्र को आपनु ही प्राप्त करो। तो फिर से एक बार अर्थ देख लो बच्चों कि यस्य है जिसका जन्म ही पुरोर्वंशे पुरोवंश में हुआ है, इदम यह सब चीज़ें आचरण जो तुमने किया है राजा, क्या किया है कि मेरे कहते ही तुमने धनुष से बाण को उतार लिया है, यह तुम्हारे युक्त रूपम ये तुम्हारे रूप के अनुकूल ही है, और एवं इस ऐसे ही गुणोपेतम गुणों से युक्त मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि इन गुणों से मंडित ही चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुहि आप चक्रवर्ती पुत्र को भी प्राप्त करो। तो जब राजा ने वैखानस का कहना मान लिया तो उसे ये खुशी हुई और उसने आशीर्वाद स्वरूप राजा से क्या कहा कि तुम अपने अनुरूप ही पुत्र को प्राप्त करो। तो यहाँ पर युक्त रूप पदार्थ के प्रति पुरोवंश जन्म का कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है और छंद यहाँ पर अनुष्टुप है जिसका मैं आपको अभी पूर्व वाले श्लोक में लक्षण भी बता चुकी हूँ। तो बच्चों ये हम लोगों ने आज 11 श्लोक तक अर्थ देखे और इसके आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।